तो दोस्तों मैं हूं आपका उजाल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो RX 100 के ऊपर। देखो RX 100 बाइक जो है मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी और मैंने यामाहा के लोगों से भी बात करी तो वो कह रहे थे कि ये एक झूठी अफवाह है कि RX 100 वापस आ रही है। देखो RX 100 वापस अभी नहीं सकती, RX 100 वापस नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि RX 100 जो स्टार्टिंग की बाइक थी ना वो 2-स्ट्रोक इंजन की बाइक थी, ठीक है, 2-स्ट्रोक इंजन की बाइक थी। और अब के टाइम पे जितनी भी बाइक चल रही है वो 4-स्ट्रोक इंजन पे चल रही है, ये बहुत मेन चीज़ है। अभी इससे पहले एक बाइक और आई थी TVS की जो कि उस टाइम पर अभी भी चलती है, आई थिंक उसका नाम TVS स्टार सिटी था, स्टार सिटी प्लस या ऐसी करके कुछ नाम था, स्टार सिटी था आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। अभी वो क्या थी, पहले के टाइम पे वो जो बाइक थी ना वो 4-स्ट्रोक इंजन पे आती थी बाइक, इसलिए कंपनी ने वही बाइक को उसी इंजन को अपग्रेड करता रहा। लेकिन RX 100 जो थी वो 2005 में बंद कर दी गई थी क्योंकि 2005 के बाद ना 4-स्ट्रोक इंजन का वो आ गया था, जैसे कि BS4 होता है, अब जैसे पहले BS3 चला, BS4 अब BS5 आएगा जब भी आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि RX 100 के ऊपर बहुत सारे लोग, मैंने YouTube पे वीडियो देखी, मैं सोच भी रहा था क्योंकि RX 100 जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे RX 100 एक बंदे के पास है, मैं भी सोच रहा था यार RX 100 की एक बार राइड लूँ, काफ़ी फन राइड थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस बंदे ने क्या कर रखा था, RX 100 को रिस्टोर करवा रखा था। अब यहाँ पे तो RX 100 को रिस्टोर कर देते क्योंकि RX 100 ऐसी बाइक है, लोग उसको बेचा नहीं गया है, लोगों ने बेचा नहीं है, उसको अपने पास ही रखा, कुछ लोगों ने बेचा तो गैराज वालों के पास वो सड़ रही है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसे ख़रीद लेते हैं। लेकिन RX 100 की एक चीज़ है, RX 100 के पार्ट्स अभी भी मिल रहे हैं, RX 100 बाइक के पार्ट्स अभी भी मिल रहे हैं। तो RX 100 अगर आप रिस्टोर करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ओल्ड फैशन में जाओ और एकदम, नहीं ऐसी बात नहीं है, RX 100 का पिकअप एवरेज बहुत बेस्ट था, बहुत अच्छी बाइक थी, पर्सनली मैंने तो अभी चलाई है यार, हमारे पापा के पास भी थी RX 100 और बुलेट ही थी उनके पास उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि बाइक अभी के टाइम पे वो नहीं आएगी, वो अगर आएगी तो 4-स्ट्रोक इंजन में आएगी। RX 100 की बोल रहा हूँ मैं, RX 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और RX 100 एक ऐसी बाइक है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि चेन्नई की साइड पर, ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि RX 100 को ना मॉडिफाई कर रहे हैं, RX 100 को मॉडिफाई हो गया, RX 100 को रिस्टोर कर रहे हैं। RX 100 को लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिकअप पसंद है, इंजन छोटा है और पिकअप पसंद है, और एवरेज भी उसकी बहुत अच्छी है, एवरेज भी कोई बेकार नहीं, बहुत अच्छी एवरेज है, अराउंड 50 तो निकाल लेती है, वो 50 अबव भी निकाल लेती है, वो है कि सर्विसिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी बाइक की सर्विसिंग क्या है क्या नहीं है। तो यार देखो ऐसा होता है कि कुछ बाइकें ना अभी तक बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा बाइकें अच्छी चल रही है, जैसे कि RX 100 अगर दोबारा बनाई जाइए तो लोग पसंद भी करेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि अभी तो खैर यामाहा वालों का कोई प्लान नहीं है कि RX 100 को हम दोबारा बनाएं, लेकिन RX 100 की ये बात है कि कंपनी ने ना उसके पार्ट्स बेचने बंद नहीं करें, पार्ट्स उसके बिकते हैं क्योंकि कंपनी को पता है कि लोगों को RX 100 पसंद है। अगर कोई यामाहा वाला देख रहा है तो मैं ये आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर RX 100 को ना 4-स्ट्रोक में निकाल दो, 4-स्ट्रोक इंजन में RX 100 आ जाएगी ना तो सबसे अच्छी बात है, लोग पसंद भी करेंगे और भी ज़्यादा बिकेगी। जैसे कि अभी यामाहा की 125 cc में, अब जैसे देखो मैं एक बताता हूँ, सलूटो 100, उसको ऐसे बताया गया था कि वो RX 100 का ही इंजन लगा हुआ है, लेकिन सलूटो के बारे में जहाँ तक मुझे याद है बहुत कम लोग जानते होंगे, जितने भी मेरे व्यूअर हैं बहुत कम लोग जानते होंगे, सलूटो बाइक यामाहा की एक सलूटो बाइक आती है, 100 cc की बाइक है, उसका लुक थोड़ा सा ये है कि आप वो कह सकते हो FZ की तरह, थोड़ा उसका पेट्रोल टैंक, मतलब ग्राफिक वैसे दे रखे हैं थोड़ा सा ग्राफिक वैसे ही दे रखे हैं। तो अगर कहने का मतलब है कि यार सलूटो, मैं तो नहीं कह रहा कि तुम उसे लो, सलूटो का आज तक तुमने देखा भी नहीं होगा कि मैंने सलूटो बाइक का जिक्र भी किया है। तो अगर आप लोगों को RX 100 जैसे कि पसंद है तो आप अगर पुरानी ले लो और पुरानी लेके रिस्टोर करवा लो, और अगर दूसरी बात ये हो कि अगर कहीं से आपको ऐसी बाइक मिल जाए जो कि इंजन ही ना खुला हो तो यार ये तो सबसे बेस्ट बात है RX 100 की, ठीक है। और सलूटो जो बाइक है यार उसको तो तुम अवॉइड ही कर दो, सलूटो का तो मैंने सिर्फ लाइक एक एग्जांपल ले लिया था कि जिससे कि तुम लोगों को पता चल जाए कि सलूटो 100 उसका नाम रखा गया था, ये थोड़ी ना कि अब हर किसी के पीछे 100 लग जाएगा वो RX 100 हो जाएगी यामाहा की सलूटो बाइक, ऐसी बात नहीं है यार, मैंने तो सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखी, मैंने एक दो के पास ही देखे, गिने चुनों के पास ही देखे, उससे अच्छा सलूटो से अच्छा लोग बोलते कि
मैं स्प्लेंडर ले लूँ, ठीक है स्प्लेंडर हो गया, दूसरी बाइक्स हो गई, अभी ये छोड़ो आई स्मार्ट ले लूँ, ये सब छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोगों के माइंड में ये हो कि RX 100 दोबारा लॉन्च होगी और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है कि RX 100 आएगी, तो RX 100 नहीं आने वाली। RX 100 अगर आएगी भी बाई चांस आएगी, क्योंकि कंपनी का भी कोई प्लान नहीं, 1% की कंपनी ने कुछ नहीं कहा कि RX 100 को हम निकालेंगे वापस, RX 100 नहीं आने वाली। लेकिन अगर ऐसा है बाई चांस अगर RX 100 के बारे में वो सोचें तो RX 100 निकलेगी भी तो फोर स्ट्रोक इंजन में निकलेगी, और फोर स्ट्रोक इंजन में जहाँ तक मुझे लग रहा है उस बाइक के अंदर वो दम नहीं होगा जो कि पहले की RX 100 में था। और टू स्ट्रोक इंजन तो अब क्या सरकार ने ही बंद कर दिए, विक्की भी पहले टू स्ट्रोक में आती थी, अब टू स्ट्रोक हटा के वो भी फोर स्ट्रोक इंजन में कर दिए विक्की, खैर तो कह रहा बात ही अलग है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं कि हम खराब करने दें। ओके बाय।